हेलो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों जैसे कि मैंने बैंक निफ्टी वाली वीडियो में बताया था आपको कि यहीं पे सारी जगह अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है सीधे सीधे सिंपल तरीके से अगर आप समझेंगे वही सिचुएशन आपको निफ्टी फिफ्टी में भी नजर आ रही है आइए निफ्टी फिफ्टी का डिस्कशन थोड़ा सा डिटेल में करते हैं और बैंक निफ्टी की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है जो कि आप जाके देख सकते हैं सबसे पहले मैं आपके कुछ चीजें क्लियर कर देता हूँ डे के टाइम फ्रेम पे आते हैं मैंने बैंक निफ्टी में भी आपको समझाने की कोशिश की थी और यहाँ पे भी मैं आपको समझा रहा हूँ पॉजिटिव 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 ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव और ऑल टाइम हाई ठीक है आज आपको एक रिजेक्शन देखने को मिला आप कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले क्योंकि जो लोग बाइंग कर रहे हैं डेफिनेटली अगर वे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो उन्हें सेल करना पड़ेगा सेल करेंगे तो आपको मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी ये सिंपल सी चीज है यहीं से ही दो सवाल आपके मन में खड़े हो जाते हैं हर किसी के मन में खड़े हो जाते हैं Even मेरे भी मन में खड़े हैं पहला सवाल क्या है क्या ये प्रॉफिट बुकिंग कल भी कंटिन्यू रहेगी या फिर दूसरा सवाल ये है profit booking आ चुकी है कल को को हमें एक positive momentum देखने को मिलेगा मिलेगा कि नहीं ये दो क्वेश्चन आते हैं लेकिन फिर वही जवाब हमेशा की तरह सिर्फ और सिर्फ प्राइज एक्शन को फॉलो करेंगे क्योंकि पॉसिबिलिटी दो तरह की होती है जो ज्यादातर केस में देखी गई है जैसे आप यहां पर ऑब्जर्व करो यहां पे भी एक पॉजिटिव मोमेंटम आया था मार्केट साइडवेज चला गया फिर ब्रेकआउट देकर चला समझिए आप यानी कि दो पॉसिबिलिटीज बनती है पहली पॉसिबिलिटीज का मैंने आपको लाइव एग्जांपल दिखा दिया दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या बनती है मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम आता है एक रिट्रेसमेंट आता है फिर मार्केट ब्रेकआउट देता है ये दो तरह की पॉसिबिलिटीज बनती है अब यहां पे कौन सी पॉसिबिलिटीज चलेगी क्योंकि अगर मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज हुआ तो वो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देगा अगर मार्केट ने जो पहले ओल टाइम हाई लगाया था उस पर मार्केट ने सपोर्ट लेना शुरू कर दिया यानी कि कुल मिलाकर ट्वेंटी थाउजेंड के अराउंड अगर मार्केट ने सपोर्ट लेना शुरू कर दिया तो इसका मतलब मार्केट साइडवेज सिचुएशन में जाने की कोशिश कर रहा है या फिर अगर आपको नेगेटिव मोमेंटम देना शुरू किया तो इसका मतलब मार्केट रिट्रेसमेंट करने की कोशिश कर रहा है ये वाला जो एग्जाम्पल हमने देखा पॉजिटिव मोमेंटम आया और मार्केट साइडवेज चला गया फिर ब्रेकआउट दे चला गया यानी कि सिचुएशन चाहे ये बने चाहे ये बने यहां पे भी हम प्राइज एक्शन को फॉलो करेंगे और यहां पे भी हम प्राइज एक्शन को फॉलो करेंगे इस सिचुएशन में आपको नेगेटिव साइड पोजीशन बनाने की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है इस वाली सिचुएशन में मार्केट अगर साइडवेज गया तो ये आपको इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी नहीं देगा लेकिन फिर भी जैसे भी अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी आपको उसी के अकॉर्डिंग कम क्वांटिटी में काम करना पड़ेगा समझ में पिक्चर क्लियर होगी आइए थोड़ा सा एनालिसिस देखते हैं पहले हैं पहले लॉजिक समझते चीज मैंने सबसे पहले इसलिए समझाई क्योंकि वो कंफ्यूजन ही मैंने आपके माइंड से क्लियर कर दिया कि मार्केट अब नेगेटिव जाएगा कि पॉजिटिव जाएगा क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे अगर आप लास्ट में फॉलो करेंगे ये भी एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है काफी लोगों के मन में आपको इस तरीके से ये सिचुएशन दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि मार्केट नीचे आया फिर बाहर से इसे ऊपर लेके चले गए इस सिचुएशन में कुछ लोग कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं कि मार्केट में अब तो पॉजिटिव मोमेंटम आएगा ऐसा नहीं होता है ऐसे में आपको हजारों एग्जाम्पल दिखा सकता हूं यहां पर देखिए इस वाले एग्जाम्पल को इस वाली कैंडल में भी आपको यह देखने को मिला नीचे बाहर से नहीं ऊपर की तरफ पुल किया लेकिन अगले दिन फिर से आपको एक नेगेटिव मोमेंटम गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला ऐसी सिचुएशन कई बार हुई है यहां पे आप देख सकते हैं इसमें भी आपको नीचे की तरफ

एक ये उम्मीद थी कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी कब आएगी ये नहीं पता था सिर्फ प्राइज एक्शन को फॉलो करना था मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दी एक बेहतरीन सा एक्शन बनाया कैंडल से मार्केट नीचे आते हुए दिखा पहला सपोर्ट था आपके लिए प्रीवियस डे हाई पे लेकिन अगर कोई इस अपॉर्चुनिटी को नहीं पकड़ पाया फिर मार्केट ने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन दिया आपके लिए यहां पे सीधे सीधे सिद सेटअप ने काम किया है प्रीवियस डे हाई के ब्रेकडाउन वाले सेटअप ने और यहां से आपको सीधे सीधे एक बेहतरीन सी अपॉर्चुनिटी मार्केट में देखने को मिली है सिंपल सिंपल से आप को चीज़ समझ में उसके बाद मार्केट ने कही न कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट करने की कोशिश की एक मोमेंटम देने की अगर आप यहाँ पे ध्यान से समझोगे तो ये कहीं ना कहीं ट्वेंटी की रेस्पेक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर अगर आप इस पर भी समझने की कोशिश करोगे कहीं ना कहीं अपने प्रीवियस डे हाई की भी रेस्पेक्ट करता हुआ आज मार्केट दिखाई दिया लेकिन हम इस पर फोकस नहीं करेंगे हम फोकस करेंगे ट्वेंटी थाउजेंड पे आइए अब इसे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं जिससे कि एक क्लियरिटी मिल सके कि कल हमें किस सिचुएशन पे या किस चीजों के अकॉर्डिंग काम करना है इन चीजों पे थोड़ा सा फोकस करेंगे आइए समझते हैं कुछ सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजें मार्क कर लेते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज होगी ये वाला जोन ये क्या है हमारा प्रीवियस डे हाई ठीक है ये वाला जोन ठीक है ये क्या है प्रीवियस डे क्लोजिंग ठीक है और ये वाला जोन ये क्या है प्रीवियस डे लो ठीक है ये वाला क्यों मैंने मार्क किया अब आप समझने लग गए होंगे कि ये हमारा एक स्विंग बना हुआ है ठीक है जब तक इस स्विंग से ऊपर मार्केट नहीं निकलने का हम पॉजिटिव के बारे में नहीं सोचेंगे समझ में आए लेकिन एक स्कैल्पिंग जरूर मार सकते हैं यहां से यहां तक के मोमेंटम की तो पहला डिस्कशन करते हैं अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है उस सिचुएशन पे अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर चलता है यहां तक हम एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं इसका ब्रेकआउट मिलता है तो प्रीवियस डे हाई तक हम एक अपॉर्चुनिटी मार्केट में पकड़ सकते हैं चीजें यहां तक समझ में वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है उस सिचुएशन पे अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे चलता है तो प्रीवियस डे लो तक हम एक मोमेंटम को पकड़ सकते हैं आपके लिए सपोर्ट जो बनेगा प्रीवियस डे लो पे इसका अगर ब्रेकडाउन मिला तो इलेवेंथ का डे लो आपको यहां पे देखने को मिलेगा आपके लिए ये सपोर्ट यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा वहीं पे अगर बात करें अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली इस सिचुएशन पे आप क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन पे आपको इस वाले एरिया पे फोकस करना है अगर मार्केट इसी के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग दे रहा है ब्रेकआउट दे के ऊपर चलता है तो प्रीवियस डे हाई आपका रजिस्टेंस रहेगा लेकिन अगर मार्केट यहां पे गैप अप ओपनिंग देके आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो पहला सपोर्ट प्रीवियस डे क्लोजिंग बनेगा इसका ब्रेकडाउन मिल गया प्रीवियस डे लो बनेगा इसका भी ब्रेकडाउन मिला तो इलेवंथ का डे लो आपका यहाँ पे सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटी है वहीं पे अगर बात करें अगर आपको मिलती है गैप डाउन ओपनिंग इस सिचुएशन पे आप अपना पूरा फोकस रखेंगे प्रीवियस डे लो पे इसी पे आपको फोकस रखना है अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके चल दिया तो आपके लिए सपोर्ट ये बनेगा प्रीवियस ये इलेवंथ का डे लो इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया तो आपको एथ की डे क्लोजिंग यहाँ पे सपोर्ट जोन की पॉसिबिलिटीज बन सकती है लेकिन अगर कहीं पे मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया आपको हैमर मिला है पिन बार बुलिस कैंडल मनी इसका मतलब मार्केट अपने प्रीवियस डे लो पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है इस सिचुएशन पे प्रीवियस डे क्लोजिंग आपका पहला रजिस्टेंस बन बनने की पॉसिबिलिटीज है उसके बाद ये स्विंग इसका ब्रेकआउट मिल गया तो प्रीवियस डे हाई लेकिन अगर मार्केट कहीं ना कहीं इस जोन के बीच में घूमने की कोशिश की मैं फिर से ड्रॉ करता हूं एक तो हमारा ये स्विंग वाला जोन है दूसरा प्रीवियस डे लो वाला जोन। अगर इस जोन में घूमने की कोशिश की जो कि आज भी हमें दिखाई दिया मार्केट तो ट्रेड मत करना मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज जाने की कोशिश करेगा वो आपको इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाने का हाँ कुछ अपॉर्चुनिटीज बन सकती है जैसे प्रीवियस डे क्लोजिंग से प्रीवियस डे लो तक यह मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो यहाँ तक के मोमेंटम आप देख सकते हैं इन अपॉर्चुनिटीज़ को लेकिन कम क्वांटिटी में काम करने की कोशिश करना पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि मार्केट साइडवेज होने की कोशिश कर सकता है अगर इस जोन में घूमना शुरू किया क्योंकि हमने इलेवेंथ को भी देखा था मार्केट बहुत ही ज़्यादा साइडवेज हो गया था कहीं ना कहीं अपने प्रीवियस डे लो के यहाँ पे देखेंगे इस लो के नज़दीक तो अगर ये सिचुएशन बनी एकदम से आपको एग्जिट करना है और दूर रहना है दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं आपके लिए कितने हेल्पफुल है फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कॉन्टेंट के साथ थैंक यू